इस पर दिल्ली एनसीआर में मनेगी बिन पटाखों की दिवाली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इस बार आपकी दिवाली बिल्कुल शांत बीतने वाली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी 11 नवंबर 2016 से पटाखों की बिक्री पर रोक सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर से बहाल हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार ये देखना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखों के बैन से हवा की स्थिति में कुछ भी सुधार हुआ या नहीं। इसे सख्ती से लागू करने के लिए कोर्ट ने पटाखा बेचने वालों को दिए गए नए और पुराने दोनों ही लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। हालांकि 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में पटाखे बिक सकेंगे। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक वाले आदेश को फिर से बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने जो दलील दी थी उसके मुताबिक पटाखों की वजह से दिवाली से पहले और बाद में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि बच्चों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिवाली के बाद 11 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने इस साल 12 सितंबर को कुछ शर्तों के साथ बैन को हटा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में लाइसेंस देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने अब एक बार फिर से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।